ये देखो ना सामने चाय का बागान और बड़े बड़े पहाड़, कितना खूबसूरत है। हल्का हल्का ठंडा ठंडा फील हो रहा है, ऐसे ऊपर ऐसे धुंध दिख रही है, बादल नीचे आते हुए दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो ऊपर। दोस्तों अभी हम फाइनली अपने होटल पहुंच गए और हमारा होटल है अरुल माउंट, ये मुन्नार में। और ये रिसेप्शन इंटरेस्टिंग लग रहा है, छोटा सा रिसेप्शन बना रखा है, बढ़िया है। देखते हैं, अभी काउंटर पे कोई है नहीं। हमने सारा प्रोसेस जो भी होता है वो हमने कर दिया और अभी हम अंदर जा रहे हैं। होटल दिखाता हूँ मैं कैसा है आपको। और ये वाह, तो थोड़ा क्लीनिंग वगैरह चल रही है। ओके, क्या बात है, छोटा सा अपना रूम। होटल का जो हमने बुक किया था ना उसमें ऐसे दिया हुआ था कि स्टैंडर्ड छोटा रूम ऐसे करके। और ये देखो अपना ये बेड है, उधर बाथरूम वगैरह टीवी वगैरह भी है, मतलब बढ़िया है, सही है। चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब, होप करता हूँ आप सब अच्छे हो। दोस्तों अभी हम हैं मुन्नार में और यार बहुत ही मज़ा आया। आज सुबह ही हम अपने घर से निकले थे लगभग 7 बजे के आसपास और हम यहाँ पे 12 बजे पहुँच गए थे और 12 बजे हमने अपने होटल में चेक इन किया। हमारा होटल है अरुल माउंट और यहाँ पे हमने रूम लिया है और काफ़ी सस्ते में हमें रूम पड़ गया है, बहुत अच्छा है। और रूम भी काफ़ी अच्छा है यार, मतलब मज़ा आया। और अभी हम यहाँ से यहाँ पे कुछ मतलब इस पॉइंट हैं जहाँ पे ऐसे हम अभी जाने वाले हैं, जैसे कि माटू पेटी डैम है और अपना इको पॉइंट है, तो ये सब अभी आज हम कवर करेंगे और आपको भी दिखाएंगे, बहुत मज़ा आने वाला है इस ट्रिप में। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं मुन्नार टाउन की तरफ, अभी टाउन मेन मार्केट में, वहाँ थोड़ा हम लंच वगैरह करते हैं, उसके बाद हम निकलेंगे कहीं भी, जो भी देखते हैं, जो अच्छा सबसे नज़दीक हमारे कोई भी स्पॉट होगा। हे दोस्तों, तो हमने अभी लंच किया और बहुत ही मज़ा आया, हमने केरला मील्स खाया, वो मोटे मोटे चावल होते हैं और ऐसे रसम पता नहीं क्या क्या चीज़ें, सब्जी वब्जी कई सारे वैरायटियां मिलती है, बहुत मज़ा आया खा के। और अभी हम जा रहे हैं माटू पेटी डैम, यहाँ से दिखा रहा है माटू पेटी डैम लगभग 10 किलोमीटर है और टॉप स्टेशन 34 किलोमीटर। तो यहाँ से ऊपर जाना है, क्या बात है। तो जो हमने रूम लिया है ना वो लगभग यही टाउन के आसपास ही है और मतलब बहुत सस्ते में पड़ा यार हमें रूम, लगभग 500 रुपये में एक अच्छा खासा रूम मिला है हमें। और हम लोग दो लोग हैं तो लगभग हमें 250 रुपये पर रेट पड़ा है, तो बहुत बढ़िया है। अगर आप लोग कभी आते हैं तो आप आ सकते हैं उस जगह पर, बहुत अच्छा है। दोस्तों ये देखो सामने क्या नज़ारा है, माय गॉड मज़ेदार, मतलब ये पूरा मुन्नार शहर ही लग रहा है, टाउन का एरिया देखो कितना खूबसूरत लग रहा है यार, कलरफुल, कितना मस्त दिख रहा है और दूर तक कितना प्यारा दिख रहा है माउंटेन वगैरह। और आज का मौसम तो इतना अल्टीमेट है ना भाई साहब, क्या बताएं, मज़ा ही मज़ा आ गया। सुबह जब हम निकलने वाले थे ना तो उस टाइम पे भी झमाझम बारिश हो रही थी, हमने सोचा आज तो पूरा प्लान कैंसिल होने वाला है, लेकिन थैंक गॉड बारिश रुक गई लगभग 7 बजे के आसपास और फिर हम निकले वहाँ से 12 बजे तक हम इधर आ गए। अच्छे से हमने अपना खाया पिया और मज़े कर रहे हैं। ओए होए क्या नज़ारा है भाई, बाप रे, मतलब मज़ा ही आता जा रहा है यार। ये देखो दोस्तों कितना मस्त दिख रहा है यार, मतलब वहाँ देखो ऊपर कितना खूबसूरत दिख रहा है, ऐसे बादल दिख रहे हैं पूरा, हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार और बहुत ही शानदार मौसम भी आज बहुत अच्छा हो रखा है। और ये देखो क्या नज़ारा है, नज़ारे पे नज़ारा, माय गॉड क्या बात है, इतना खूबसूरत नज़ारे है ना, इन नज़ारों का तो कोई जवाब ही नहीं है भाई।
होए ऐसे मतलब पहाड़ों में ऐसे जब टर्न पे ऐसे बसें सामने आती ना तो बहुत ही ख़तरनाक लगता है भाई एकदम। और अभी हम बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ा ही दूर बचा है, 1-2 किलोमीटर होगा। यहाँ पे ना पहाड़ों में, यहाँ मुन्नार में ना गांजर बहुत फेमस है, यहाँ मुन्नार का। ऐसे आपको जब ऐसे रोड पे चलोगे ना तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल में ऐसे गांजर बेचते हुए दिखेंगे भाई साहब। गांजर की टेस्ट ना, मतलब उसका टेस्ट इतना मस्त होता ना, एक बार मैं खाया था यहाँ पे, ख़रीदा था मैंने, इतना अच्छा लगा क्या ही बताऊँ यार। और अभी हम वापस जाते वक्त हम भी ख़रीदेंगे फिर से दोबारा। अभी तो पहले हम डैम चलते हैं, देखते हैं माटू पिट्टी डैम क्या है, कैसा है। इको पॉइंट करके एक स्पॉट है, वो लगभग यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है, और हो सकता है वहाँ भी हम जाए, देखते हैं कैसा रहता है। और ओहो, हम पहुँच ही गए हैं मेरे ख्याल से डैम पे, और ओहो क्या बात है अल्टीमेट नज़ारा है भाई, अल्टीमेट। ये देखिए, ये सामने डैम है। ए दोस्तों, तो फाइनली हम माटू पेटी डैम पहुंच गए हैं, और हमने बाइक अपनी पीछे लगा दी है। अभी देखते हैं ये कैसा है, क्या बात है। तो यहाँ पे बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं, और देखो क्या व्यू है, मतलब दूर तक दिख रहा है पानी पानी, बहुत ही खूबसूरत। और इतने ऊपर आके इतना बड़ा लेक दिख रहा है, बहुत ही प्यारा है। तो दोस्तों ये देखो कैसा दिख रहा है यार, मतलब इधर नीचे एकदम ये पूरा डैम, ऐसे पानी यहाँ से नीचे जा रहा है, मस्त दिख रहा है। और कैसा बना हुआ खूबसूरत, ये देखो क्या बात है। और हवा तो बहुत तेज चल रही है। हम उधर आगे जा रहे हैं जहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है ना, वहाँ जा रहे हैं। बहुत मज़ेदार लग रहा है यार, मतलब इतने ऊपर आके ऐसे बड़ी सी झील देखना, मतलब मस्त मज़ा आ गया। इतना खूबसूरत है ना, क्या बताएं यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है। यहाँ से नीचे जाएंगे अपन लोग जहाँ बोटिंग वाला था, देखते हैं क्या चार्ज वार्ज है बोटिंग वोटिंग का, क्या बात है। ये बोटिंग भगा रहे मज़ेदार है। तो दोस्तों यहाँ पे बोटिंग का चार्ज लगभग 300 पर पर्सन है, और इसमें क्या होता है ना कि यहाँ से ये देखो ये तो ये कितना खतरनाक ही कर दे रहे हैं, मज़ेदार हो रहा है। यहाँ एक बड़ा राउंड लगा के ले आते हैं, और 3 राउंड ऐसे बीच से लगा के ले आते हैं, अभी जैसे यहाँ से कर रहे हैं तो इस तरीके से करते हैं। और 300 रुपीज़ एक पर्सन का चार्ज लगता है। ओह माय गॉड, बहुत ही अल्टीमेट व्यू है यार, मतलब मज़ा आ रहा है। और यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है जो 6 किलोमीटर इको पॉइंट। तो अभी हम उधर भी जाएंगे और आप सबको भी दिखाएंगे कैसी जगह है। यहाँ तो बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, मज़ा आ गया यार। हे दोस्तों, तो अभी हम जाते वक्त ऐसे रास्ते में रुके यार, बड़ा प्यारा लोकेशन था, बहुत बढ़िया। पता नहीं, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा इको पॉइंट यही है, बट पता नहीं मुझे आइडिया नहीं लग रहा कि इको पॉइंट यही है। मैं सोच रहा था कि कुछ टॉप पे होगा, इको पॉइंट यही है ना उधर से। इको पॉइंट पे दोस्तों ऐसा होता है ना कि ऐसे आप कुछ बोलोगे तो आवाज़ मस्त ऐसे गूंज के वापस सुनाई देती है, और पता नहीं जैसे अभी यहाँ से थोड़ा सुनाई दिया हमें, कोई ऐसा किसी ने बोला होगा कुछ। और अभी हम थोड़ा नीचे जा रहे हैं, बड़ा मस्त लग रहा है यार, एकदम पानी के पास तक ऐसे जाने का है, बहुत ही मज़ेदार है। और उधर सामने ऐसे पूरा जंगल जंगल सा हो रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो उधर ऐसे पूरा लेक लेक पानी पानी हो रहा है, और उधर पूरा ऐसा जंगल जंगल सा हो रहा है, क्या नज़ारा है यार।
ए दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। यहाँ ऐसे आवाज़ जैसे गूंज रही ना, बोलने पे ऐसे गूंज रही है, और ऐसे दूर जंगल से ऐसे वापस सुनाई दे रहा है। बहुत ही अल्टीमेट लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, क्या बताऊँ, मज़ा ही आ गया। पता नहीं कैमरे में आ रही है, मतलब हमारे कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा होगा नहीं हो रहा होगा, लेकिन ऐसे हमें सुनाई दे रहा है उधर सामने, उधर जंगल से ना ऐसे लग रहा है उधर से आवाज़ आ रही है वापस, और बहुत ही अच्छा सा फील हो रहा है। मैं फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ ये चीज़, इससे पहले अभी तक मैंने ये एक्सपीरियंस नहीं किया था ऐसे कि आवाज़ गूंज के वापस आए। मूवी वगैरह में देखा था मैंने, लेकिन अभी ऐसे फर्स्ट टाइम मैं खुद फील कर रहा हूँ इस चीज़ को। मज़ा आ गया मज़ा। और ये पानी पानी ऐसे नज़ारा क्या खतरनाक ही हो रहा है। और वाह, लाइट आ गई, सूरज ही दिखाता हूँ मैं, देखो कैसा लग रहा है ये देखो। हे दोस्तों, तो यहाँ पे आवाज़ इतनी मस्त गूंज रही है ना, बहुत सारे लोग ऐसे एकदम ज़ोर ज़ोर से बोलने में, और उधर से वापस ऐसे गूंज के आवाज़ सुनाई दे रही है। देखो इतना मस्त लग रहा है ना, क्या बताएं, बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस हो रहा है। तो दोस्तों, होप करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं किसी ऐसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, जहाँ भी हंसते मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, बाय बाय। यहाँ पे ना मुन्नार में ये गाजर बहुत फेमस है और बहुत ही टेस्टी होता है यार। मैं इसके बारे में पहले भी आपको बता ही रहा था, तो अभी देखो हमने ये 25 रुपीज़ का लगभग 6 पीस मिला हमें, और ये पूरा पत्ते सहित होता है देखो, और छोटे छोटे ऐसे शॉप होते हैं।